हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। मैं हूं नीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने वीडियो में डिज़ाइनर बॉट नेक ब्लाउज की स्टिचिंग बताने वाली हूं, जिसकी कटिंग हमने अपने पिछले वीडियो में की थी। वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो ये था हमारा ब्लाउज का पीछे वाला हिस्सा, जो हमने दो कलर में लिया है। तो यहाँ से हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे सिंपली। जैसे नीचे हमें पट्टी नहीं लगानी है, हमने आधा इंच का मार्जिन रखा है। अगर आप पट्टी लगाना चाहते हैं तो पट्टी भी लगा सकते हैं, और अदरवाइज़ आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो पहले आधा इंच की सिलाई लगानी है हमें इस पर। अब उसको इस तरह से खोलकर वापस से फोल्ड कर लेंगे, लेकिन फोल्ड करने से पहले एक बार एक सिलाई अस्तर पर ज़रूर लगा लें। और उसके बाद उसको जब फोल्ड कर लेंगे तो हमें नीचे पट्टी लगानी नहीं पड़ेगी। नीचे से फोल्ड होने के बाद अब हमें इसको चारों तरफ से अटैच कर लेना है, जोड़ लेना है अस्तर के साथ में। तो ये इस तरह से चारों तरफ जुड़ जाएगा। ऊपर वाले हिस्से को भी हमें इसी तरह से अटैच करना है, और सिंपली कहीं से कुछ भी फोल्ड नहीं करना है। तो ये चारों तरफ से अटैच हो जाएगा। अब ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पाइपिंग लगा लेंगे। इसी तरह से ऊपर वाले हिस्से पे भी हमें पाइपिंग लगानी है। ये मैंने ओरेब ली है, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं ली है, एक इंच में है। अब ये पाइपिंग डिज़ाइनर में, जब गले में आप पाइपिंग लगाएं तो जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर थोड़ा सा खींच लें, लेकिन जहाँ पर हमें कोने बनाने हैं वहाँ पर इस पाइपिंग को थोड़ा हल्का रहने दें, लूज़ रहने दें। अब देखिए, इस पाइपिंग को अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि डिज़ाइनर नेक है, राउंड होता है तो कुछ नहीं। तो इससे पहले आप क्या करें, इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करके पहले एक सिलाई लगा लें, ताकि जब हम सीधी तरफ से पलटें तो हमें परेशानी ना हो। तो ये आधा इंच का हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब सीधी तरफ से हम इसको आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। जितनी बारीक चाहिए उतनी बारीक आप कर सकते हैं इसको। तो ये जो है, ये पाइपिंग लग जाएगी हमारी। इसी तरह से हमें ऊपर वाले हिस्से पर भी पाइपिंग लगानी है। ऊपर ब्लू कलर है तो हम येलो की पाइपिंग लगा लेंगे। तो इस पाइपिंग को भी पलटने से पहले हम एक बार पलट लेंगे लगाने से पहले।
तो ये हो जाएगी पाइपिंग हमारी। ऊपर नेक जो है उस पर भी आप पहले ही पाइपिंग लगा सकते हैं, अदरवाइज आप शोल्डर जोड़ने के बाद में भी पूरे ब्लाउज में एक साथ पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो ये ऊपर नेक में भी हमारी पाइपिंग लग जाएगी। अब हमें निचले हिस्से को अटैच करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो इस तरह से सिर्फ पाइपिंग रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं इसके साइड में। लेस से थोड़ा गैटअप बढ़ जाएगा इसका, तो एक लेस लगा लिए मैंने। अब ऊपर वाला हिस्सा हमें जोड़ना है इस पर, और जोड़ने के पहले आप अपनी लंबाई नाप लें। जैसे 13.5 इंच ब्लाउज़ था तो ये 14 इंच होना चाहिए, क्योंकि आधा इंच अभी सिलाई मार्जिन ऊपर का बाकी है, तो ये 14 इंच होना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग इसको हमें सेट करना है और पिनअप कर लेना है। दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से नापना है कि हमारा 14 इंच हो जाए। और फिर इसको अटैच कर लेना है। और ऊपर भी हमें एक लेस लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमें एक शो बटन यानी फैंसी बटन लगा लेना है, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं इसमें। तो ये हमारा बैक पार्ट बन जाएगा। अब आगे के लिए मैंने सारे पार्ट्स को अस्तर के साथ में सिंपल अटैच कर लिया है, और ये मैंने काफ़ी वीडियो में बताए हैं, अटैच करना भी बताया है। अब ये डार्ट लगाएंगे हम। सबसे पहले नीचे वाली डार्ट जो हमारी थी 1/4 इंच, और उसके बाद सारी जो डार्ट है, तीनों डार्ट जो है वो 1/4 इंच में हमें भरनी है। तो ये हमारा पफ बन जाएगा। उसके बाद बेल्ट, बेल्ट को भी मैंने उसी तरह से फोल्ड किया है जैसे पिछला हिस्सा हमने फोल्ड किया था, ताकि इस पर भी पट्टी लगानी नहीं पड़े। अब आप चाहें तो यहाँ बेल्ट पर दोनों सिलाई अंदर के साइड में लगा लें, और चाहें तो इस तरह से ऊपर भी लगा सकते हैं। ये दोनों हिस्से हमारे तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हमें ये मैच करके देख लेना है आपको कि ऊपर नीचे नहीं हो, बराबर आए। उसके बाद हमें पट्टियाँ लगानी है। तो गले के साइड में हमें 1/4 इंच छोड़ना है, क्योंकि हमने बीच वाली जो डार्ट लगाई थी उससे गले के साइड में थोड़ा सा गुलाई आ गया था। तो अगर आप चाहते हैं कि गला फिटिंग से बैठे, तो गले की साइड में इस तरह से थोड़ा सा छोड़ना है। तो ये हमारी हुक पट्टी जो कि सिर्फ अस्तर से हमने लगाई है। और फोल्ड करने से पहले आप चाहें तो किनोर पे एक सिलाई लगा सकते हैं, तो उससे पट्टी का जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाएगा, पट्टी घूमेगी नहीं।
दूसरी तरफ आई वाली पट्टी है जिसमें हमने दोनों कपड़े लिए हैं, और उसी तरह से गले की तरफ छोड़ना है 1/2 इंच। तो ये 2 सिलाई लगा दी मैंने इस पर। अब आप एक बार फिर से नाप कर देख लें, और गले के साइड में अगर कम ज़्यादा हो तो आप इसको काट कर बराबर कर लें, क्योंकि हमने बैक पार्ट तैयार कर लिया है और आगे के लिए ब्लू पाइपिंग चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसमें पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग आप अपने किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, जो आप कंफर्टेबल महसूस करें उस तरीके से आप पाइपिंग लगा लें। और मैंने जिस तरीके से पाइपिंग लगाई है उस पर मैंने जो पहली सिलाई लगाई है वो मुझे निकालनी है, और अब जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ऊपर वाली वो बिल्कुल पास पास में। शोल्डर जोड़ लेंगे हम, अब देखिए स्लीव जोड़ने से पहले आगे और पिछला दोनों हिस्से देख लें, पास पास रखकर दोनों को, और देख लें कि हमारा जो मार्जिन है 1.5 इंच मार्जिन वहाँ पर बराबर है या नहीं। ये स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है अस्तर के साथ में, और उसी तरह से फोल्ड किया जैसे हमने अगला और पिछला हिस्सा किया था, उसको भी आप इस तरह डबल करके देख लें, उसके बाद जोड़ना शुरू करें। और कमेंट आते हैं कि स्लीव जो है कम पड़ जाती है, तो कम नहीं पड़ेगी, आप इसको खींचें नहीं, नीचे आर्म होल वाली चीज़ है उसको बिल्कुल नहीं खींचें। अगर आपने सही कटिंग की है तो वो स्लीव कभी भी कम नहीं होगी। पीछे के लिए डार्ट, तो पहले एक मशीन चला लें और उसके बाद में इस डार्ट को हमें लगाना है 1/2 इंच में लगभग, और अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो फिटिंग करने के लिए एक सिलाई दोनों तरफ 1-1 इंच पर लगाने के बाद हम अपनी कमर नापेंगे, जो कि है 32, यानी कि 33 हमें इसे टोटल रखना है, और अभी हमारे पास है 35, यानी 2 इंच का गैप जो है वो हमें कवर करना है, तो उस अकॉर्डिंग। और उसके बाद स्लीव को भी हमें नाप लेना है। तो इस तरह से आप फिटिंग कर सकते हैं, इसके बाद 1-2 सिलाई और लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।